रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, टॉपिक 12, चैप्टर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इज दैट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन विच ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट और एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कमांड दें उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज अ बाइलोड मैस ऑफ टू गैंग्लियन, जो इसका ब्रेन है प्लानेरिया का। हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम के लिए किसकी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, प्लानेरिया की। जो प्लानेरिया का ब्रेन है ये एक बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाईलोब्ड मीन बाई मीन टू, लोड मीन डिवीजंस और पार्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके दो हिस्से हों उसे हम कहते हैं बाईलोब्ड। बाईलोब्ड मैस ऑफ गैंग्लियन है। गैंग्लियन को हमने पहले डिस्कस किया था। गैंग्लियन इज सिंपली रिफर्ड एज मैस ऑफ न्यूरॉन्स या क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। काफ़ी सारे न्यूरॉन्स की कलेक्शन, क्लस्टर और मैस क्या करवाता है, गैंग्लियन। एंड दिस बाइलोड मैस ऑफ गैंग्लियन विच वी रिफर एज ब्रेन इज प्रेजेंट एट इंटीरियर रीजन। प्लानेरिया का अगला हिस्सा उसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर रीजन, और बैक साइड वाला हिस्सा उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर रीजन। दिस मैस ऑफ गैंग्लियन और बाइलोड स्ट्रक्चर इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव एंड सेंड नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है, इसलिए हम इसे क्या रिफर कर रहे हैं, एज अ ब्रेन। तो इसका ब्रेन जो है वो गैंग्लियन का क्लस्टर है, न्यूरॉन्स का क्लस्टर है, बाइलोड स्ट्रक्चर है, इंटीरियर रीजन पे प्रेजेंट है, और उसको ब्रेन किस वजह से कह रहे हैं, किस पैरामीटर पे कह रहे हैं कि वो नर्व इम्पल्सिस रिसीव भी करता है और नर्व इम्पल्सिस सेंड भी करता है। सेकंड जो इसके नर्वस सिस्टम की खसूसियत है कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के नर्व्स, मुख्तलिफ तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। लेट्स से सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच रिसीव द स्टिमुलस और सेंड टू द ब्रेन। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन्स रिसीव द मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड गिव बैक इट टू द इफेक्टर्स। फिर इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स भी हैं, सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं, और उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को महसूस करते हैं। सेंस ऑर्गन्स इंटीरियर रीजन पे, दी सेंस ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ आईज और कीमो रिसेप्टर्स। ये जो सेंस ऑर्गन्स है इन केस ऑफ प्लानेरिया, ये किस फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में और कीमो रिसेप्टर्स की फॉर्म में। कीमो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स विच रिसीव द केमिकल स्टिमुलस। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैं इनके अंदर। दीज रिसेप्टर सेल्स आर सेंसिटिव टू द प्रेशर एंड टच स्टिमुलस। ये जो स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल्स हैं ये प्रेशर और टच का जो स्टिमुलस है और हीट का, उसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। डेफिनेट नर्व्स प्रेजेंट है यहाँ पे। डेफिनेट मींस कि इसके अंदर दो तरह के नर्व्स के, न्यूरॉन्स के क्लस्टर और बैंड्स पाए जाते हैं। दैट इज लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। दो तरह के नर्व्स है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। दीज आर लेटरल नर्व्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लानेरिया, इट्स डेफिनेशन,
द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ब्रेन, डिफरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, रिसेप्टर सेल्स, डिफरेंट नर्व्स एंड इट्स स्ट्रक्चर.